1911 में आज ही के दिन महान भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विजय मर्चेंट का जन्म हुआ था। मर्चेंट ने महज 15 वर्ष की उम्र में एक टेस्ट मैच में 2 शतक बना दिए थे। विजय मर्चेंट ने प्रथम श्रेणी मैचों में 71.64 के औसत से रन बनाए, जो केवल डॉन ब्रैडमैन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। उन्होंने 1936 में इंग्लैंड का दौरा किया और 51.32 के औसत से सबसे ज्यादा 1745 रन बनाए। हालांकि लंकाशायर मैच में मर्चेंट ने ओल्ड ट्रेफर्ड में दोनों पारियों में बेहतरीन खेल दिखाया, जिसके लिए उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। अपने 18 वर्षों के करियर के दौरान मर्चेंट ने 10 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 859 रन बनाए। रणजी ट्रॉफी मैचों में उन्होंने 47 पारी खेली, जिसमें 16 बार शतक लगाए और 98.75 की औसत से 3639 रन बनाए। मैदान में फील्डिंग के दौरान कंधे में गहरी चोट लगने की वजह से उन्हें क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा। 1928 में आज ही के दिन पहली बार अमेरिका के बोस्टन में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बच्ची के लिए आयरन लंग नाम की मशीन का इस्तेमाल किया गया था। 8 साल की बच्ची का श्वसन तंत्र पोलियो या इन्फेंटाइल पैरालिसिस के कारण काम करना बंद कर चुका था। सांस नहीं लेने की वजह से वह मरने की हालत में पहुंच गई थी। उस दौरान आयरन लंग रेस्पिरेटर का पहली बार क्लिनिकल प्रयोग किया गया और बच्ची की जान बच गई। ड्रिंकर रेस्पिरेटर के नाम से मशहूर इस मशीन को फिलिप ड्रिंकर और लुइस अगासिज ने बनाया था। मशीन इलेक्ट्रिक मोटर से चलती थी और उसमें वैक्यूम क्लीनर वाले 2 एयर पंप लगे हुए थे। 1967 में आज एक दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का फैजाबाद में निधन हुआ था। राम मनोहर लोहिया एक स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर समाजवादी और सम्मानित राजनीतिज्ञ थे। भारत की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उसके बाद ऐसे कई नेता आए जिन्होंने अपने दम पर राजनीति का रुख बदल दिया। उन्हीं नेताओं में एक थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर ने हमेशा सत्य का अनुकरण किया और आज़ादी की लड़ाई में अद्भुत काम किया। 18 साल की उम्र में ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए प्रदर्शन का आयोजन किया था। लोहिया ने हमेशा भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी से अधिक हिंदी को प्राथमिकता दी। उनका विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षित और अशिक्षित जनता के बीच दूरी पैदा करती है। उन्होंने कृषि संबंधित समस्याओं के आपसी निपटारे के लिए हिंद किसान पंचायत का गठन किया था। 2000 में आज ही के दिन अदन की खाड़ी में तैनात अमेरिकी नौसेना के युद्ध वाहक पोत USS कोल पर हुए एक आत्मघाती हमले में 17 सैनिक मारे गए और 40 घायल हो गए थे। इस हमले के लिए यमन के 2 नागरिक इब्राहिम अल थौर और अब्दुल्ला अल मिसावा को जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके साथ ही हमले की साजिश रचने में मदद करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हमले की साजिश रचने के कथित मुखिया सऊदी नागरिक अब्दुल रहीम अल नशीरी को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका के हवाले कर दिया गया था। अमेरिकी अदालत ने नशीरी और एक अन्य अभियुक्त जमाल मोहम्मद अल बदावी को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में जमाल की मौत की सजा को 15 साल जेल की सजा में तब्दील कर दिया गया। और आज ही के दिन 2002 में इंडोनेशिया के बाली द्वीप के नाइट क्लब में हुए भीषण बम धमाके में 202 लोग मारे गए थे। मरने वालों में ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक थे। इस हमले में मरने वालों और घायलों में कुल 24 देशों के पर्यटक शामिल थे। हमले के लिए इंडोनेशिया में सक्रिय एक चरमपंथी संगठन जेमा इस्लामिया को जिम्मेदार ठहराया गया था। इस हमले के लिए अमरोजी बिन नूर हाशिम, उनके भाई मुखलास और इमाम समुद्र को मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि अली इमरान को आजीवन कारावास की सजा दी गई।